नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट। हमारा खुद का केळकर हॉस्पिटल है अकोला, महाराष्ट्र में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं दोहरा व्यक्तित्व या दोहरा व्यक्तिमत्व, डबल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी। होता क्या है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके दिमाग के ऊपर बहुत सारा टेंशन होता है, कुछ चीज़ें अनफुलफिल्ड होती है, कुछ डिज़ायर्स है, कुछ इच्छा है जो पूरी हो नहीं पाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको सहन करना पड़ता है। किसी से झगड़ा, टीचर से झगड़ा, पेरेंट्स से झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाला झगड़ा, सासू माँ के कारण होने वाला झगड़ा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति पे स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता और उसके बाद लोगों को ये सिंड्रोम या ये बिहेवियर, ये जो डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या दोहरा व्यक्तित्व, ये बीमारी हो सकती है। इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट को पूरी तरह पेशेंट अपनी जो पर्सनैलिटी है उससे डिसकनेक्ट हो जाता है और एक अलग ही पर्सनैलिटी अपना लेता है। वो भूल जाता है कि मैं नॉर्मल व्यक्ति कौन हूं और वो पूरी तरह दूसरी पर्सनैलिटी में चले जाता है, अलग आवाज में, अलग टोन में, अलग एक्सप्रेशन के साथ बात करने लगता है। स्पेशली ऐसा कोई व्यक्ति है जो वो व्यक्ति के बहुत करीब है उसके आवाज में बात करने लगता है, या अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी है, उसके आवाज में बात करने लगता है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पर्सनैलिटी में वो व्यक्ति बात करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है, हंसने लगता है और वो टोन में बात करने लगता है। उसे होता क्या है कि जो रिलेटिव्स है वो पूरी तरह डर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि अब ये पेशेंट का करना क्या। हाल ही में हमने ऐसी एक पेशेंट देखी थी जिनका अपने प्रिंसिपल के साथ कंटिन्यूसली झगड़ा हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक अलग पर्सनैलिटी अपना ली, वो पर्सनैलिटी में हंसती थी, रोती थी, अलग अलग आवाज में बात करती थी, ऐसा बोलती थी कि मैं एक देवी हूं, मैं सबको मार डालूंगी, मेरे हाथ में बहुत पावर है, और वो बोलती थी कि मुझे भगवान दिखते हैं, मेरे ससुर दिखते हैं, ऐसे अलग अलग आवाज में वो बात करती थी। उसे होता था क्या कि वो रिलेटिव थे जो नातेवाईक थे वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए, पूरी तरह परेशान हो गए, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली है क्या। बाद में वो हमारे पास आए, साइकेट्रिस्ट के पास आए और हमने वो डायग्नोसिस किया कि वो डायग्नोसिस को बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी आइडेंटिटी कंप्लीटली अलग हो जाना। ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। क्या ये पेशेंट जानबूझ के कर रहे हैं? नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये पेशेंट जानबूझ के कर नहीं रहा है पर वो उसको हो रहा है। बहुत ज्यादा टेंशन होने के कारण वो एक पूरी तरह पर्सनैलिटी ही बदल देता है, अलग पर्सनैलिटी के रूप में चले जाता है और फिर वो पर्सनैलिटी 1 घंटा 2 घंटा 4-5 घंटे या दिन भर भी रह सकती है। जैसे ही वो पर्सनैलिटी का प्रभाव कम हो जाता है वो पेशेंट नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम है, वो पेशेंट को अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढना बहुत ही जरूरी है। ऐसे पेशेंट्स को गौरतलब है कि ऐसे पेशेंट्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। अगर पेशेंट को दोहरा व्यक्तिमत्व या दूसरे रूप में पेशेंट चले जाता है और वो अलग अलग प्रकार के आवाज निकालने लगता है तो हमने ये देखना है कि हम वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए और साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट कराए। हम एज अ साइकेट्रिस्ट पेशेंट को मिलके बात करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह निकालने की कोशिश करते हैं। हम ब्लैक मैजिक में बिलीव करते नहीं, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें कोई भी काला जादू या कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरी तरह साइकेट्रिक इलनेस है। जब हम पेशेंट से बात करते हैं और काउंसिलिंग करते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट ओपन अप होने लगता है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज काउंसिलिंग, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं। साथ ही में जो अंडरलाइंग बीमारी है जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसकी भी ट्रीटमेंट देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में एवर्जन थेरेपी जो हम देते हैं वो भी करना जरूरी है। ये अगर ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को दिया तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है
और जो बार बार पर्सनैलिटी बाहर उमड़ के आ रही है वो पूरी तरह नष्ट होके पेशेंट अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो है, ओरिजिनल व्यक्तिमत्व जो है, उसमें पेशेंट बात कर सकता है। ऐसे जो बीमारी है ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट करना और पेशेंट्स और रिलेटिव्स ने सहनशीलता मतलब पेशेंट्स दिखाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद।